लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 6 कंप्लीट 7 कंप्लीट कर लिया था, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, जिसके बाद है एक्सचेंज ऑफ नॉन करंट एसेट, ये भी हम कुछ देर बाद पढ़ेंगे। पहले काम ये करते हैं, जो अब तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व कर लेते हैं, जो देंगे एक रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद कुछ नया पढ़ेंगे। इस टॉपिक में वेरिएशंस काफी हैं, वैरायटी काफी है। ओके, अब ये कुछ एमसीक्यूज हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, बल्कि करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन याद आ जाएगा, रीड कर लें। स्टार लिमिटेड बॉट अ मशीन फॉर 60,000, मशीन एस्टिमेटेड लाइफ वॉज 5 ईयर विद नो सैलवेज वैल्यू। स्टार लिमिटेड यूजेस द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। रिक्वायरमेंट क्या था, नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। ओके, अब इसमें हमें नेट बुक वैल्यू फाइंड करनी है सेकेंड ईयर के एंड। तो पहले इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिख लें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ वैल्यूज पुट करते हैं। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 60,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय लाइफ। लाइफ कितनी है, एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर्स है। आंसर आएगा आपके पास 12,000। अच्छा, 12,000 हो जाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन। फाइंड क्या करना है हमें, नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ओके, तो लिखते हैं हम जरा कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है, 60,000, इसमें से लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 ईयर्स का लेस होगा, 2 ईयर्स का, क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड पे बताना है हमें। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है, 12,000, तो 2 ईयर्स का हो जाएगा 24,000। 24,000 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी इसकी नेट बुक वैल्यू, कितनी आ रही है, नेट बुक वैल्यू या एनबीवी 36,000। इसका आंसर हो जाएगा 36,000, ऑप्शन डी करेक्ट। कॉपी कर लें। इसमें क्या, बिजनेस बाइज अ मशीन फॉर 40,000 एंड डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम using the reducing balance method. What is the depreciation charge for the second year of machines use? Second year का depreciation calculate करना है। method है हमारा reducing balance, तो इसको आप short form में लिख लेते हैं, RBM। formula लिखते हैं, depreciation expense equals to, formula बताएं, cost minus accumulated depreciation मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। ठीक है, वैल्यू सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब ये ईयर 1 के लिए है। कॉस्ट कितनी है, 40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा, पहला साल है 0, और मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज से कितनी हुई, 10%। ईयर 1 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो जाएगा 4,000, ईयर 2
कॉस्ट तो सेम रहेगी 40,000, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा, 4,000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10%, ईयर टू का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3,600। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कॉपी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। बीटा परचेज सम प्लांट एंड इक्विपमेंट्स ऑन 1 जुलाई 2001 फॉर 40,000। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट्स इन 10 ईयर्स टाइम इज एस्टिमेटेड टू बी 4,000। बीटा पॉलिसी इज टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। अच्छा विद अ प्रोपोर्शनेट चार्ज इन द पीरियड ऑफ एक्विजिशन। व्हाट शुड बी द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द प्लांट टू बी इन बीटा द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ 12 मंथ्स टू 30th सेप्टेम्बर 2001। ईयर इन कब हो रहे हैं, 30th सेप्टेम्बर को इक्विपमेंट पर बाय कब किए इसने, 1 जुलाई को। अच्छा पॉलिसी क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनेट चार्ज। प्रोपोर्शनेट चार्ज में क्या होता है, जितने मंथ्स यूज करेंगे उतने मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज। ठीक, तो पहले इसका एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा मेथड कौन सा यूज होगा यहाँ, हाँ मेथड मेंशन नहीं है लेकिन डेटा के मुताबिक आप स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे लिखा है, हाँ कर मेंशन है सही। फॉर्मूला लिख लेते हैं स्ट्रीट लाइन का, चालीस लिखते हैं। कॉस्ट कितनी है, 40,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 4,000 डिवाइडेड बाय लाइफ। लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स। आंसर 3,600। जब ये 3,602 होगा 1 ईयर का डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पॉलिसी है प्रोपोर्शनेट, तो आप देखिए कितने मंथ्स यूज किए हमने, जुलाई 1 को बाय कर रहे हैं, सितंबर में ईयर एंड हो रहा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ्स, तो डेप्रिसिएशन भी 3 मंथ्स का चार्ज होगा। ये 3/12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 900। आंसर इज 900, ऑप्शन सी। नंबर फोर, कल क्या एसेट कॉस्ट 1,20,000 एट एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 72,400। The asset is to be sold for 46,500. What is the profit or loss on disposal? Loss gain calculate करना है, calculation याद है? Cost कितनी है? 120,000 minus करेंगे accumulated depreciation 72,400 minus नेट बुक वैल्यू आ जाएगी कितनी, 47,600। इसके बाद माइनस करेंगे सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड कितनी है, 46,500। ठीक है इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं 1,100। तो 1,100 गेन हो गया, लॉस, लॉस क्यों, हाँ क्योंकि बुक वैल्यू ज्यादा है सेल प्रोसीड कम है, ये हो जाएगा लॉस ऑन डिस्पोजल। करेक्ट आंसर इज 1,100 लॉस। क्वेश्चन नंबर फाइव, पहले इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे,
मेथड कौन सा यूज करेंगे आप? यदि अटेस्ट टू बी डेप्रिशिएटेड एट 30% पर एन एम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस का फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं ऊपर से। पहले इसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं, ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है 9,000 माइनस एक्यूमुलेटेड, पहले साल जीरो होता है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज 30, ईयर वन का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2700, ईयर वन, ठीक है। अब ईयर टू, कॉस्ट रहेगी 9,000, एक्यूमुलेटेड हो जाएगा कितना 2700, और इसका 30% कितना बन रहे हैं 1,890। अब ईयर थ्री, कॉस्ट नाइन थाउजेंड और एक्यूमुलेटेड कितना हो जाएगा 2,700 प्लस 1,890, 4,590, और इसका 30% ना रहे 1,323। अच्छा इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग ईयर फोर इट वॉज सोल्ड फॉर, फोर्थ ईयर में सोल्ड कर रहे हैं, लेकिन फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज, नन इन द ईयर ऑफ सेल। अब लॉस गेन कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट कितनी है 9,000 माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 3 इयर्स का एक्यूमुलेटेड 1,890 प्लस 1,323, टोटल करें इसका 5,59,13, ठीक है। एक्यूमुलेटेड माइनस करते हैं, नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 3,087, इसमें से सेल प्रोसीड्स माइनस करेंगे 3,000, तो डिफरेंस आएगा 87 का। 87 लॉस या गेन? लॉस होगा, लॉस ऑन डिस्पोजल, ठीक है। बुक वैल्यू ज्यादा है, सेल प्रोसीड कम है जी। एक मिनट, 3,000 ये लिखा हुआ, ठीक है। हाँ ठीक तो फुली होगा ना, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में देखना होता है ना, परचेज कब किया हमने, कितने मंथ्स यूज किया, तो कितने मंथ्स का चार्ज करें या फुल ईयर, ये मत। बाकी सेकंड ईयर से क्वेश्चन नंबर 8, पहले इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट कितनी है 35,000, स्क्रैप वैल्यू 3,000, लाइफ 8 इयर्स, आंसर अच्छा 4,000 तो आएगा एनुअल डेप्रिसिएशन। अब ईयर वाइज कैलकुलेट करते हैं, पहला ईयर है 2,000, वन, अच्छा वन में हमने बाय कब किया है, जुलाई 1, ईयर एंड हो रहा है दिसंबर, हो गए 6 मंथ्स, तो 2001 में हम लेंगे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। अच्छा इसमें पॉलिसी मेंशन नहीं है ना, प्रोपोर्शनेट है, फुल ईयर है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जब पॉलिसी मेंशन नहीं होगी तो प्रोपोर्शनेट लेंगे आप, प्रोपोर्शनेट। तो मल्टीप्लाई करें 6 से डिवाइड बाय 12, ये आपके पास 2,000 आ जाएगा, 2001 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा 2002 में फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा,
4000, 2003 फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और 2004 में भी फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं तो एक्यूमुलेटेड आ जाएगा कितना, 14,000। और हमें लॉस गेन कैलकुलेट करना है, ठीक है, कॉस्ट है 35,000, माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 14,000, नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 21,000। ओके, अब इसमें से सेल प्रोसीड माइनस करेंगे, सेल प्रोसीड कितनी है 18,600। अच्छा, लेकिन अब इसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर हो रही है हमारी 1,200, तो वो सेल प्रोसीड से माइनस कर देंगे। ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है 17,400। डिफरेंस निकाल लें 3,600, लॉस होगा गेन, लॉस वैल्यू ज्यादा है, सेल प्रोसीड कम है, लॉस हो गया 3,600 लॉस। कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर, इसमें हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ नॉन करंट एसेट। एक्सचेंज क्या होता है कि आप पुराना एसेट देकर एक न्यू एसेट खरीदते हैं, उसे कहते हैं एक्सचेंज। ओके, तब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, एज्यूम इन क्वेश्चन 6 इंस्टेड ऑफ कैश प्रोसीड्स ऑफ 3,000 देयर इज अ ट्रेड इन अलाउंस ऑफ 3,000 ऑन अ रिप्लेसमेंट मशीन कॉस्टिंग 10,000। अच्छा, अब इसमें 8 में डेटा यूज होगा 6 का, क्वेश्चन 6 पर आते हैं। इसमें फिर डेटा हमने यूज किया था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो अब वही डेटा यूज करेंगे 5 का। ठीक है, वापस आए एमसीक्यू से ना पीछे आते हैं। अच्छा, 5 में था, यहाँ हमने 5 में याद होगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुके हैं ना, ठीक है। और अब देखिए क्वेश्चन 6 पर आए, इसमें डिस्पोजल कब था, ईयर 3 में, और आगे लिखा था नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो सिर्फ 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब 8 पर आते, सेम चीज है वहीं पर, चीजें वही वैल्यू सेम यूज होंगी। रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन। अच्छा, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल या एक्सचेंज, कैलकुलेशन सेम ही होता। अच्छा, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा ऑन डिस्पोजल नहीं, बल्कि यहाँ लिखिएगा एक्सचेंज, लिखते हैं ये प्रिंटिंग यहाँ पर मिस्टेक है, ऑन एक्सचेंज ऑफ ऑफ द मशीन लिख लें, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब पुराना एसेट दे के आप न्यू एसेट ले रहे, जैसे एक्सचेंज कर, जैसे पुराना मोबाइल है, मोबाइल आपने दिया और दुकानदार से नया मोबाइल खरीद लिया, तो कुछ पैसे आपको कम देना पड़ते हैं ना, पुराने के कुछ पैसे जो है वो माइनस हो जाते हैं, ठीक। पुरानी मशीन है आपके पास, मशीन आपने दी, न्यू मशीन खरीद रहे हैं, तो पुरानी वाली के पैसे उसमें से माइनस हो जाएंगे, एक्सचेंज ही होता है, ठीक है, कि पुराना एसेट देकर आप न्यू एसेट खरीद। अच्छा, लॉस गेन की कैलकुलेशन सेम है जिस तरह डिस्पोजल में थी, उसी तरह एक्सचेंज में होगी। सॉल्व करते हैं इसके बाद, फिर इसके एंट्रीज और टी अकाउंट। अच्छा, इसमें कॉस्ट क्या थी मशीन की, 6,000, और 2 ईयर्स का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का है 2,160, नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 3,840। जब ये पुरानी मशीन हमसे कितने में ले रहा है वो, यहाँ एक टर्म यूज हो रही है ट्रेड इन अलाउंस। ट्रेड इन अलाउंस मीन्स कि वो आपसे पुराना एसेट कितने में खरीद,
उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे ट्रेड इन अलाउंस। अब नेट बुक वैल्यू से ट्रेड इन अलाउंस माइनस करेंगे तो आपके पास लॉस आ जाएगा 840। देखिए लॉस ऑन डिस्पोजल या एक्स लॉस गेन ऑन डिस्पोजल और एक्स लॉस गेन ऑन एक्सचेंज की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक टर्म यहाँ पर चेंज हो जाएगी। डिस्पोजल में हम टर्म यूज कर रहे थे सेल प्रोसीड, यहाँ टर्म यूज होगी ट्रेड इन अलाउंस। देखिए पुराने एसेट जितने भी हमसे वो लेगा उसके लिए टर्म यूज करेंगे ट्रेड इन अलाउंस। ये कॉपी कर लें। जब ये तो हो गया ग्रेन लॉस, सेकेंड रिक्वायरमेंट है इसकी कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैश पेड फॉर द न्यू मशीन। अब देखिए न्यू मशीन की कॉस्ट कितनी है, 10,000। पुरानी मशीन उनसे कितने में ले रहे हैं, 3,000। तो कैश कितना पे करना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। ले तो ये कैश पेमेंट की कैलकुलेशन होगी, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस ट्रेड इन अलाउंस। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है 10,000, ट्रेड इन अलाउंस 3,000, कैश पेमेंट होगी 7,000 कैश पे। कॉपी कर लें। अब रिक्वायरमेंट सी कंप्लीट लेजर अकाउंट्स। ठीक है पहले इसकी, अच्छा पहले हम वही कंबाइन एंट्री बनाएंगे उसके बाद फिर डिस्पोजल अकाउंट के साथ। अच्छा देखिए एक मशीन हम एक्सचेंज कर रहे हैं, पुरानी मशीन दे रहे हैं, न्यू मशीन आ रही है और फिर लॉस भी हमें हुआ है, बाकी कैश पेमेंट है। तो अब इसमें देखिए न्यू मशीन आ रही है वो तो डेबिट हो जाएगी। न्यू मशीन की कॉस्ट कितनी है, 10,000। 10,000 से न्यू मशीन डेबिट करेंगे। अच्छा इसके बाद सेकंड एंट्री जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वो क्लोज होगा, ठीक है डेबिट हो जाएगा, इस तरह डिस्पोजल में था। अच्छा लॉस हुआ है, लॉस डेबिट होगा। ठीक है इसके बाद ओल्ड मशीन हम दे रहे हैं उसको एक्सचेंज में, तो ओल्ड मशीन जा रही है, मशीन आपकी क्रेडिट हो जाएगी 6,000 से। और कैश कितना पे किया, 7,000 पे कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट। ये तो इसकी होगी एक कंबाइन एंट्री। कॉपी करें इसके बाद फिर डिस्पोजल अकाउंट के साथ एंट्रीज बना लें। ठीक है अच्छा ठीक, पहली एंट्री तो वही होगी ओल्ड मशीन हम दे रहे हैं, मशीन क्रेडिट और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो सेकंड भी सेम होगी, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। थर्ड एंट्री जो बनेगी इसको हम एक कंबाइन पे भी कर सकते हैं और सेपरेट करके भी बना सकते हैं। किस तरह, कुछ इस तरह बनेंगे। न्यू मशीन आ रही है, डेबिट आपने किया 7,000। टोटल कॉस्ट कितनी है न्यू मशीन की, 10,000 ना, इसको पहले मैंने सेपरेट करके बनाया बाद में कंबाइन बनाएंगे। ये भी दो तरह से एग्जाम में आती है, बुक्स में भी। पहले तो हम कैश पेमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं, न्यू मशीन डेबिट 7,000 और कैश क्रेडिट 7। अच्छा बाकी जो 3,000 की मशीन वो एक्सचेंज में आ रही है ना, तो न्यू मशीन को तो हम डेबिट ही करेंगे 3,000 से। क्रेडिट क्या होगा, डिस्पोजल अकाउंट, यहाँ पे 3,000 से डिस्पोजल आ जाए। देखिए इसमें हमने डिस्पोजल के टाइम पर सेल प्रोसीड की एंट्री क्या बनाई थी, याद है, सेल प्रोसीड कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ था ना। तो अब यहाँ देखिए कैश की जगह हमें न्यू मशीन मिल रही है ना 3,000 की, तो हमने फोर्थ एंट्री में कैश को डेबिट करने के बजाय न्यू मशीन को डेबिट किया डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ये लिख लें। और ये जो थर्ड और फोर्थ एंट्री है, अच्छा देखिए ये थर्ड और फोर्थ एंट्री इसको आप कंबाइन भी कर सकते हैं। कंबाइन करके कैसे बनेगी, मशीन डेबिट 10,000, कैश क्रेडिट 7,000, डिस्पोजल क्रेडिट 3,000। तो इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। तो दोनों तरह से पूछता है तो आप लिख, दोनों लिख लीजिएगा।